हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज़रा का जायका। आज मैं आपके लाई हूँ सालन वाला गोली कबाब। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कीमा, साथ ही चाहिए 2-4 टुकड़े अदरक के और लहसुन की कलियां चाहिए 8 से 10। हरी धनिया हमने ले रखा है, हरी मिर्ची है 4, जितना आप तीखा पसंद करें। और इसे हमें पीस लेना है सबको कीमे के साथ। और इसके बाद इसे ये देखिए पीस कर ये निकल चुका है जार के अंदर से। और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच बेसन के, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच गर्म मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और काली मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच। इसे हमें अच्छे से मसल के हाथों से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं कीमे के अंदर। तो ये देखिए इसे हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। साथ ही हमने मसाले के लिए जो प्याज अदरक लहसुन रखा है उसे भी फ्राई करेंगे। ये हमारा सालन तैयार होगा इससे बहुत ही टेस्टी। तो 2 चम्मच तेल के अंदर हमें इसे थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है और उसके साथ हमने इसको चलाते हुए थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा जब, तो इसके अंदर थोड़े मसाले भी ऐड करेंगे जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची हो गई, जो भी खड़े मसाले होते हैं, और सूखी लाल मिर्ची डालनी 4 से 5। अगर आप चाहें तो मिर्ची पाउडर बाद में डाल सकते हैं। अगर आप लाल मिर्ची ना डालें तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया, ठंडा होगा तो हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम कोफ्ते को यानी गोली कबाब को फ्राई कर लेते हैं। इसे हम तेल में अच्छे से तेज फ्लेम पर ही इसको अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि ये पानी छोड़ने लगता है। अगर आप धीमा रखेंगे तो काफ़ी ये पानी छोड़ेगा। तो हमें अच्छे से इसे अलग पलट कर फ्राई कर लेना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को देखें तो शेयर भी करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों में भी शेयर करें, रिश्तेदारों में भी शेयर करें और कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए ये तकरीबन फ्राई हो चुका है, तो थोड़ी देर के बाद हम इसे पैन से निकाल लेंगे। ये देखिए ये रेडी हो गया, डन हो गया ऑलवेज। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो बचे हुए तेल के अंदर हम डालेंगे तेज़पत्ता और इसमें हम डालेंगे मसाले, बाकी कोई मसाला हमें नहीं डालना है खड़ा। तो इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक और धनिया पाउडर है और हल्दी पाउडर है। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। तो इसे हमें थोड़ा देर पकने देना है ढककर। तो देखिए ये अच्छे से पक चुका है, 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमने गोली कबाब को भी ऐड कर देना है ताकि मसालों के साथ अच्छे से घुल मिल जाएं, अपनी खुशबू उनको दे दें, उनकी खुशबू अपने अंदर ले लें। तो ये काफ़ी लजीज टेस्ट आएगा। क्या खुशबू आ रही माशाल्लाह। देखिए बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है। तो हमें सालन वाला बनाना है तो हमें 1 कटोरी पानी भी इसके अंदर ऐड कर देना है और उसको उबाल लेना है, बॉईल कर लेना है। जब ये पक जाएंगे तो इसे हम पेश करेंगे आपके सामने। तो देखिए अच्छे से ये मसाला भून चुका है, तो हम पानी भी डाल देते हैं। तो हमने पानी भी डाल दिया है और इसे उबाल आने देते हैं और फिर इस पर डालेंगे हरी धनिया, हरी मिर्ची और उसकी भी खुशबू निकल के आएगी हमारे नाकों तक और आपके भी आँखों तक, है कि नहीं? तो क्योंकि आपके नाक तक जा ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, हमारा सालन वाला गोली कबाब टेस्टी सा, डिलीशियस सा रेडी है। तो आप ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा हमें कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो खाते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।